इस क्वेश्चंस में दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं, तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मैट्रिक्स का ऑर्डर्स क्या हो सकता है, और अगर उस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट होते हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। तो मैट्रिक्स ऑर्डर इज नथिंग बट यू कैन से दैट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यू कैन से एक मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं उसका क्रॉस हम अगर लिख देंगे तो वही हो गया मैट्रिक्स ऑर्डर। जैसे कि मान लिया कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर ये है मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, कितने रोज हैं इसमें, 1, 2, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2, ये हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे इसमें फाइंड आउट करने के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑर्डर हमें पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो कितने हो गए, 3 × 2 = 6 हो गए, हम काउंट भी कर सकते हैं तो 6 एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो गया, क्रॉस के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं तो उसे क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इसका कहने का मतलब है कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन रोज और कॉलम्स का हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 18 का फैक्टर्स देखते हैं कि क्या क्या है। 18 का फैक्टर्स क्या हो गया, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, यही फैक्टर्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज 1 है तो कॉलम्स कितने होंगे, 18 होंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 18 होना चाहिए। अगर 2 है तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, 9। अगर 3 रोज है तो कितने कॉलम्स हो गए, 6। अगर 6 रोज हैं तो कितने कॉलम्स हो गए, 3। 9 रोज हैं तो कितने कॉलम्स हो गए, 2। 18 रोज हैं तो कितने कॉलम्स हो गए, 1। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये क्या हो गया, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए इस मैट्रिक्स के। अगर एलिमेंट 5 ही होंगे तो कितने हो गए, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 और 5। तो जब नंबर ऑफ रोज 1 है तो कितने कॉलम्स हो गए, 5 हो गए, 1 से 5 में डिवाइड किया तो 5 हो गए, तो 5 हो गए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। अगर 5 रोज है तो कितने कॉलम्स हो गए, 1। तो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए इस मैट्रिक्स के। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ हो तो हम निकाल सकते हैं कि क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के।